असलमस आज के वीडियो लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है विच कम्पेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल एंड मूविंग इन सर्कल मींस दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मींस के अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्वियसली चेंज हो रही है इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होती है इस पॉइंट पर ये होती है इस पॉइंट पे ये इस पॉइंट पे ये इस पॉइंट पे ये इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड वेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कल डायरेक्शन ऑफ़ ऑफ़ फोर्स इज़ आलवेज़ सर्कल जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज टूअर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होती है फोर्स की डायरेक्शन ठीक है ये कुछ सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज हैं चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस एक्सलेशन और सिंस वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है सिंस वी नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सलेशन सो बॉडी बॉडी चेंजिंग एट एवरी पॉइंट सो बॉडी हैज़ सम समेसन ठीक है और एक्सलेशन की जो डायरेक्शन होती है वो भी टुवर्ड तो ऑफ द सर्कल होती है जाहिर बात है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलेशन होगा उसी डायरेक्शन में ही फोर्स होगी अगर फोर्स इनवर्ड है तो एक्सलेशन भी इनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा ठीक है तो इस एक्सलेशन को हम सेंट्रीपीटर एक्सलेशन कहते हैं तो कंसिडर एक बॉडी कंसिडर करें जिसका मास एम है और वो एक रेडियस आर का एक सर्कल है और उसमें वो यूनिफॉर्म स्पीड वी से मूव कर रही है और सी इज़ देंटर ऑफ द सर्कल ठीक है स्पीड इज़ यूनिफॉर्म है मीन्स के आ, स्पीड यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म uh, का मतलब होता है कि सेम होना चेंज ना होना कॉन्स्टेंट होना तो इस वजह से जब वो बॉडी पॉइंट ए पे थी तो उसकी स्पीड वी वन थी बॉडी जब पॉइंट बी पे है तो उसकी स्पीड वी टू है सिंस योर स्पीड इज यूनिफॉर्म सो वी कैन टेक वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी ठीक है बट डिफरेंट डायरेक्शन मतलब कि देखो अब विलॉसिटी जो होती है ना विलोसिटी उसके दो चीज़ें होती हैं उसमें आता है स्पीड प्लस डायरेक्शन तो स्पीड तो कॉन्सटेंट है लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है देखो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ द दैगनीच मैगनीच्यूट ऑफ द स्पीड इज कॉन्स्टेंट लेंथ ऑफ द वेक्टर्स आर सेम मैगनीच्यू ऑफ द स्पीड इज कॉन्सटेंट बट डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजिंग एट एवरी पॉइंट सो वी कैन सी दिलासिटी ऑफ द बॉडी चेंजिंग वैन बॉडी इज मूविंग सर्कुलर पाथ ओके सो पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी वी वन थी पॉइंट बी पे बॉडी की वेलोसिटी वी टू टू डिफरेंस इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा वी टू माइनस वी वन और सिमिलरली जब वेलोसिटी वी टू थी तो टाइम टी टू था वेलोसिटी वी वन थी तो टाइम टी वन था तो इस तरह से चेंज इन टाइम ये हो गया तो डेल्टा टी अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए तो दैन जहरी बात डेल्टा वी भी बहुत स्मॉल हो जाएगा अगर आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लेंगे तो वेलोसिटी में चेंज भी कम ही आएगा सो so हम उसमें केस में हम कह सकते हैं कि व्हेन डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल एंड डेल्टा वी इज़ वेरी स्मॉल देन इन दैट केस आर ए बी इज़ इक्वल टू कॉर्ड ए सी ठीक है दिस इज़ कॉल्ड कॉर्ड दिस इज कॉल्ड आर्क दिस इज कॉल्ड आर्क दिस इज कार्ड कार्ड तो दोनों इक्वल हो जाते हैं अब क्या है कि अब ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं इस ये जो फिगर बनाई ना ये वाली इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्जरेट करके लदर से बनाया था कि इसकी समझ आ जाए जा। तो ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन रही है ये वो ही ये वो वाला वी वन है ये वी टू है और ये डिफरेंस है तो अगर हम य, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं कि आर्क ए बी जो है आर्क ए बी डिवाइड बाय ए सी इज़ इक्वल टू आर्क ए बी इज़ एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी तो अब क्यू एंड आर भी तो डिस्टेंस है बिटवीन वी वन एंड वी टू सो आर्क ए बी को डिस्टेंस को डिस्टेंस लिखा और जो ए सी है ये वाला ए सी इसके सामने इसने क्या लिख दिया पी क्यू लिख दिया ये हो गया अब क्यू आर किस चीज़ के इक्वल डेल्टा वी के इक्वल है और पी क्यू वी वन के इक्वल है सिंस वी वन वी टू इक्वल इक्वल टू वी तो पी क्यू को सिंपल वी लिख दिया है अब आर के ए बी जो आपको पता है कि ये जो ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम एस लिखते हैं और ये ए सी तो आर ही है तो डेल्टा वी बाई वी तो ऐसे ही है ना अच्छा अब हमें पता है कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस बाय डेल्टा टी सिंस डिस्प्लेसमेंट टाइम इज वेरी स्मॉल देर फॉर वी टेक वी राइट टी एस डेल्टा टी सो फ्रॉम दैट इक्वेट द वैल्यू ऑफ एस एंड पुट द वैल्यू ऑफ एस इन द प्रीवियस इक्वेशन सो वी गेट दिस वन न्यू इक्वेशन एंड 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 वट मल्टीप्लाई वी विद दिस वन वी एंड रोड दिस वन इक्वेशन एंड डिवाइड डेल्टा टी बाई दिस एंड यू गेट दिस वट ज डेल्टा वी बाई डाट इज एट इज दूसरीप्यू कैन रिस इन दिसरेक्शन शोज आज एक्सेजेडर ऑफ द सर्कल ओके फिर अब हमने एक्सप्रेशन निकालना है फॉर अंट्रीप्यूटर फोर्स फॉर आ सेंट्रीप्यूटर फोर्स इन सर्कुलर मोशन ओके तो अगर सिंपल जो है फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स को तो एम वी स्क्र बाय आर है अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगी तो आर यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया और अगेन नेगेटिव साइन भी इंट्रोड्यूस कर दिया दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म वी हैव टू डिस्कस द डायरेक्शन एंड नेगेटिव साइन शोज एस दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड डेड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड माइनस को माइनस लिखा रहने दें ये जो आर यूनिट वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं आर यूनिट वेक्टर जो होते हैं ना उसकी डेफिनेशन होती है अब

टर्म्स इन एंगुलर मोशन टर्म्स तो अभी आपने दो फार्मूले सीखे हैं सेंटिमिटर फोर्स की तो ओल्ड फार्मूला है दिस इज़ अ न्यू फार्मूला यू हैव टू तो प्रैक्टिस बहुत ऑफ दैम